अब्दू एक स्पेशल टास्क की वजह से बिग बॉस के घर के अंदर गए हैं। अब्दू ने आपको याद होगा कन्फेशन रूम में जाते साथ एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। अब्दू ने कहा था कि कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन अच्छे से खेल रहा है और कौन नहीं, मैं खुद ही डिसाइड करूंगा। और अब वो घड़ी आ गई है जहां पर बिग बॉस ने अब्दू से ये जानना चाहा कि उसे क्या लगता है कि इस घर में सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है, कौन है अब्दू के टॉप 5। तो अब हम आपको बताते हैं कि अब्दू एक सीक्रेट टास्क के लिए घर के अंदर गया था जहां पर उसे घर के अंदर टॉप 5 चुनने थे। तो अब्दू ने अपने टॉप 5 रिवील कर दिए हैं। क्या इसमें जैड को रखा है, क्योंकि जैड को कल ही फटकार पड़ी। और हालांकि आप जानते ही हैं कि जैड और अब्दू बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब जैड की फटकार के बाद क्या अब्दू उसे टॉप 5 में देखते हैं? तो चलिए, जब सलमान खान ने इस बात को रिवील किया कि एक स्पेशल टास्क के लिए आए हैं अब्दू घर के अंदर और वो हमें टॉप 5 देने वाले हैं, तो हर किसी के होश उड़ गए। तो अब्दू ने साफ साफ 5 नाम अब दे दिए हैं जो सदस्य सीधे सीधे टॉप 5 में पहुंच जाएंगे। हालांकि इसमें से नंबर 1, 2, 3 और 5 पर कौन होगा और 4 पर कौन होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन कौन से 5 सदस्य अब्दू ने चुने हैं, हम आपको बताते हैं। अब्दू ने सबसे पहले नाम लिया मनीषा का। आप जानते ही हैं कि घर के अंदर आते साथ जो है मनीषा ने उसका दिल जीत लिया था। मनीषा का एंटरटेनमेंट अब्दू को बेहद पसंद आ रहा है। वहीं दूसरा नाम उसने लिया है फुकरा का। साफ साफ कहते नजर आए अब्दू कि फुकरा बहुत ही नेक दिल इंसान है। तीसरा नाम उसने लिया है पूजा भट्ट का। वो बोलता हुआ नजर आया कि पूजा भट्ट में मुझे साजिश सर की झलक दिखती है। जैसे साजिश सर हम सब में बड़े थे, हमें कई बार समझाते थे, पूजा भट्ट भी वैसे ही हैं। चौथे नंबर पर उसने नाम लिया है अपने दोस्त जैड का, जिसे सुनकर सलमान दंग रह गए। लेकिन अब्दू का ये कहना है कि जैड जो भी कर रहा है उसे पता नहीं था, और जब उसने माफ़ी मांगी है तो उसने दिल से माफ़ी मांगी है, और इसीलिए उसे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो अब पांचवा नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पांचवें नाम को लेकर अब्दू ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पांचवें नंबर पर आकांक्षा इस घर में रहती, उसे चांस मिलना चाहिए था। सब लोग उसे फेक कह रहे हैं, लेकिन टास्क में उसने इतना स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाया, वो चाहता था कि आकांक्षा टॉप 5 में रहे। तो ये टॉप 5 रैंकिंग्स जो हैं अब अब्दू ने दे डाली हैं। आप इस रैंकिंग पर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।